अस्सलामुअलैकुम टू ऑल, वेलकम टू माय किचन। तो आज मैं बना रही हूँ लौकी का रायता। लौकी का रायता बनाने के लिए मैंने यहाँ पर ये लौकी को कट करके इसको बॉईल कर लिया था। ये सॉफ्ट हो गई है बहुत ज़्यादा, ये देखिए। और यहाँ पर मैंने दही ली है, पुदीना लिया है मैंने ड्राई, बूंदी, सॉल्ट, साबुत लहसुन और 3 से 4 ये हरी मिर्च और ज़ीरा। तो चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं। मैंने यहाँ पर ये जार ले लिया है और अब मैं इसमें ऐड कर रही हूँ ये लौकी। इसको हम ग्राइंड कर लेंगे। ये देखिए मैंने इसको ग्राइंड कर लिया है। जिस जार में मैंने लौकी ग्राइंड की थी उसी जार में मैं इसकी चटनी बना लेती हूँ, ग्रीन वाली। तो मैंने लहसुन ऐड कर दिया है, ज़ीरा 1/2 टीस्पून, 3 से 4 हरी मिर्च और ये पुदीना मैंने यहाँ लिया है। सॉल्ट आप अपने टेस्ट के हिसाब से लीजिएगा। इसको भी हम ग्राइंड कर लेंगे। ये देखिए चटनी भी हमारी पुदीने की रेडी हो गई है। यहाँ पर एक बाउल ले लिया है, मैं इसमें ऐड कर रही हूँ ये दही। और ये जो हमने ग्राइंड किया है लौकी उसको ऐड कर देंगे। सॉल्ट ऐड कर देंगे, सॉल्ट आप अपने टेस्ट के हिसाब से रखिएगा। पुदीने की ग्रीन चटनी। तो अब हम इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। ये देखिए मैंने इसको अच्छे से मिक्स कर लिया है और लास्ट में मैं इसमें ये डाल रही हूँ बूंदी। और अब मैं इसमें लगा देती हूँ जीरे का भगार। तो ये देखिए मैं इसमें भगार लगा रही हूँ जीरा और हींग का। और इसको मैंने कवर कर दिया है, 2 मिनट के बाद मैं इसको खोल कर देती हूँ। और ये देखिए 2 मिनट हो गए हैं, मैं इसको खोल लेती हूँ। और अब इसमें क्रश करके मैं ये पुदीना डाल देती हूँ ड्राई। और ये देखिए लौकी का रायता हमारा हो गया है रेडी। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और एक बार ज़रूर बनाइएगा लौकी का रायता और मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि कैसा बना। चलिए मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज़।